जो मेरा नाम है कुमार, कुमार का मतलब होता है भाई कि जो काफी जो ड्रग लेता है। मेरे पास भाई ये डॉलर भी पड़ा हुआ है, $2, जो कि काफी रेयर करेंसी है। ये भी हाथ से खाना खाने का प्रयास कर रही है। हाउ डू यू लाइकिंग ईटिंग बाय हैंड? इट्स वियर्ड, इट्स माय फर्स्ट टाइम। योर फर्स्ट टाइम? या बाय हैंड। चावल यहाँ पे ना पॉकेट में आता है, तो ये इस तरह हो जाता है चावल। भाई मैं इंडियन हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई मैं अपने हॉस्टल में हूँ और जा रहा हूँ चाय बनाने के लिए। जरा मैं आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ। भाई छोटा सा हॉस्टल था, बेसिकली 14 बेड थे। मेरा भाई ये था डॉम, काइंड ऑफ कैप्सूल टाइप का है। काफ़ी सही नींद मुझे आ गई थी और इसके लिए भाई मैं पे कर रहा था यहाँ पे रहने के लिए अराउंड 550 रुपये पर नाइट, और बेलारूसियन रूबल में आई थिंक 22 बेलारूसियन रूबल मुझे मैं पे कर रहा था यहाँ पे। ये है भाई साहब किचन, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा चाय। एक्चुअली मैं चाय लेके चलता हूँ भाई, अली टी जिंजर चाय है, इसे बना लेता हूँ। छोटा सा किचन था भाई यहाँ पर ही। मैं एक्चुअली MTR के कुछ खाने लेके आया था, तो 2-3 दिन से यहीं पे खाने पीने बना रहा था। लेकिन भाई आज मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से अपने कौशल पर होस्ट के घर पे। CS का तो उन्होंने कंफर्म मुझे 2-3 दिन पहले ही कर दिया था जब मैं यहाँ पर आया था। बट क्या प्रॉब्लम थी भाई कि मुझे थोड़ी सर्दी थी। अब सर्दी ठीक हो गई है मेरी, तो भाई सर्दी के समय किसी के घर जाना, उसको भी सर्दी देना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि सर्दी चली गई है मुझे। और ये सर्दी भाई मुझे दीपांशु भाई से मिली थी। दीपांशु भाई के साथ मैं था, कुछ दिन घूम रहा था, तो उसकी वजह से उसकी सर्दी मुझे आगे ट्रांसफर हो गई। तो मुझे लगा ये ट्रांसफर पर सर्दी है, ट्रांसफर हो सकती है किसी के पास, तो इसलिए मैंने कहीं गया नहीं, हॉस्टल में बैठा रहा। आपके लिए अपने आप को कहीं ना बंद कर रखा था मैं अपने रूम से, किसी को यहाँ सर्दी तक हुई नहीं है। ठीक है, फिलहाल भाई चाय बनाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। भाई मेरी चाय रेडी है, ये है भाई चाय। अच्छा मैं कर एकदम चाय जैसा भाई, भाई एकदम जिस तरह चाय नहीं मिलता उसी तरह बन जाता है, तो उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। गर्म पानी लो, घुमाओ और इंडियन चाय के मजे लो भाई। जो भाई हॉस्टल की जो आंटी है वो पेंटिंग करती है यार, इधर क्रसी बा कक अदवा। हाँ इन्होंने ये बना रखा है भाई, वाह क्या सही करती यार ये तो। और ये भाई यहीं पे रहती है 24/7, यहीं पे सोती है, ये रिसेप्शनिस्ट है। जिस दिन मैं आया रात को तो इन्होंने दरवाजा खोला रात के मेरे लिए। काफी सही लोग है भाई, बस कुछ यहाँ पर नहीं है, प्राइवेट रूम भी नहीं है, सिर्फ 14 डॉम है। सबसे छोटा हॉस्टल देखा है मैंने, और किचन ही इनका पब्लिक प्लेस है। ये हिसाब किताब है भाई, हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है, मिन्स्क शहर का ये नक्शा है, और ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। और ये हो गया भाई बाहर। तो भाई ये था मेरा हॉस्टल, यहाँ पे काफी भाई अंधेरा रखा है, हालांकि सिर्फ अभी 7 बजे हैं। ठंडी के दिनों में भाई 7 बजे भी अंधेरा हो जाता है, -12 डिग्री सेल्सियस फिलहाल है भाई। पूरी बर्फ बर्फ जमी हुई है यहाँ पे। अभी भाई मैं ले रहा हूँ मेट्रो और मैं जा रहा हूँ अपने होस्ट के घर पे। अच्छी बात है भाई, ये जो मैंने जो जूता आइसलैंड में जो लिया था ना, महंगा वाला जूता, वो अभी तक काम कर रहा है यहाँ पे स्नो में, यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहा है। ये भाई पूरा स्नो माहौल है, और मैं जा रहा हूँ अभी मेट्रो स्टेशन। तो होस्ट के घर जाने से पहले भाई थोड़ा कुछ खाना पीना खा लिया जाए। तो रास्ते में मुझे कुछ मिल गया यहाँ पे खाने पीने का हिसाब किताब है। सर एक शॉर्मा ले लूँ, दरअसल अदना चिकन शॉर्मा, चिकन शॉर्मा आदिन मालंकी बोल रही। मैंने कहा छोटा चिकन शॉर्मा ले लो। थोड़ी मोड़ी रशन आती है यहाँ की, लैंग्वेज रशन तो है ही। सॉरी वाटर बुदा बिस गैस में, मतलब बिना गैस के। ये सब हिसाब किताब भाई। हाँ तेसित देसी रूबल, ओके। तो भाई मुझे पहले लगा कि तेसित बोल रही है, इसका मतलब होता है भाई 1000। मैंने कहा 1000 रूबल मतलब भाई तुम मेरे से 2.5 लाख रुपये मांग रहे हो क्या? और 2.5 लाख नहीं है तो 25000 रुपये के आसपास हो जाएंगे। मैंने कहा 25000 रुपये, फिर मुझे लगा नहीं 10 बोल रही है। तो भाई 250 रुपये का खाना आया, एक चिकन शॉर्मा और एक पानी, तो 250 रुपये में खाना मिल गया, क्योंकि आई थिंक ख़राब नहीं है, ठीक ठाक रेट है। हाँ तो भाई मेरा शॉर्मा आ चुका है, मैंने कहा छोटा देना, बट ये काफ़ी बड़ा शॉर्मा लग रहा है भाई मुझे। और पानी भी मिला 250 रुपये में, और ये भाई कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। वेल भाई तो उस रेस्टोरेंट में खाना पीना खाने के बाद मैं अपने कौशल पर होस्ट के घर पे आ गया था। योर नेम इज एकतरीना राइट? एकतरीना, यस एकतरीना, ये मुझे होस्ट कर रही है भाई। यू कैन कॉल मी फॉर एग्जांपल कतूसा भी कह सकते हैं। और भाई जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मेरे लिए खाना पीना बना रखा था भाई, वेजिटेरियन। पता नहीं लोगों को लगता है कि जब भारत से लोग आते हैं तो वो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मैं मांसाहारी हूँ, मैं सर्वाहारी हूँ, एक्चुअली मैं सब कुछ खाता हूँ एक्सेप्ट बीफ। और ये भाई यहाँ पे चाय वगैरह पी रहा था। डिड यू लाइक द इंडियन चाय?
Yes. और भाई इन्होंने मुझे एक बात और बताई, जो मेरा नाम है कुमार, कुमार का मतलब होता है भाई जो कि काफी ज्यादा जो ड्रग लेता है। तो मैंने कहा ये मैं ऐसा तो नहीं करता, बट कुमार तो सबका नाम है हमारे इंडिया में, लाइक आधे लोगों का नाम तो कुमार कुमार ही रहता है। मेरे क्लास में सबका नाम शुभम कुमार, आशीष कुमार, राजन कुमार, सबका इसी तरह कुछ कुछ नाम था। मैंने कहा चलो ठीक है, ये जानकारी है भाई, अगर आपका नाम कुमार है तो मेरा नाम शुभम कुमार है, तो उसका मतलब कि आपने काफ़ी सारी ड्रग ले रखी है जिंदगी में, या आप ड्रगिस्ट हो, आप ड्रग लेते हो, ये भाई इसका मतलब होता है रशियन में। मैं इतना ट्रैवल भाई रशियन नहीं किया, मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई, इन्होंने ये बताई। यहाँ भी भाई बेलारूस में भी रशियन ही बोलते हैं, बेलारूस नहीं आती इनको, सिर्फ रशियन आती है, तो यही इनका किताब है। लेकिन हाउ डू यू से थैंक यू इन बेलारूस? जाकुयू। एंड हेलो प्रिवितान्या। और भाई इस तरफ देखा, मैं एकदम स्नो वगैरह रख पड़ी हुई है भाई, उस तरफ देखोगे तो स्नो वगैरह है। डू यू लाइक द वेदर हियर? यस। हमारी बातचीत हुई अलग अलग टॉपिक्स पे, एंड ये भी मोस्ट प्रोबेबली कभी इंडिया गई नहीं, मैंने कहा आप इंडिया आओ, आप हमारे मेहमान बनो, मैं आपका जिस तरह भी मेहमान हूँ आप मेरे मेहमान बनो, हमें भी मेहमान नवाजी का आप सब लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कभी इंडिया आती हूँ। यही है भाई साहब किताब, रशियन घर की तरह ही है, आपको जब मैं घर भी दिखा दूंगा कल सुबह। तो भाई मैं किधर ना को ये सब दिखा रहा था, so like to bath and just take all the money, yes. Oh, it looks like Stalin. It looks like Stalin. भाई सारे मेरे करेंसी के सब कुछ थे अलग अलग देश के, इवन मेरा बोर्डिंग पास वगैरह सब भी, जब देख रही थी सब में इंटरेस्ट था इसको। I don't know where is one more currency. I used to have a currency from Iran, which is 1 million riyal. 1 million? Yeah, you know, in one paper, yes? Yes, one paper is 1 million. Mm-hmm. In Zimbabwe, there's a currency for $1 trillion. $1 trillion? Yes. Wow. Too many zeros, yeah? Yeah. How many 1 trillion? I don't know. भाई मुझे भी नहीं पता कितने होते हैं एक ट्रिलियन में यार। ये भाई कोलंबिया से है, ये युगांडा से, बुरुंडी से होगा ये, युगांडा, ये युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, अलग अलग देश का भाई करेंसी है ये। मेरे पास भाई ये डॉलर भी पड़ा हुआ है, $2, जो कि काफ़ी रेयर करेंसी है ये, आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा $2। इनफैक्ट ये इंडियन करेंसी भी इनको दिखाया मैंने। अदर इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यू कैन सी हियर ऑन द बैक, इट्स हिंदी, हिंदी एंड तमिल, तेल, ऑल द लैंग्वेजेस यू कैन सी देयर ऑन द बैक। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज वन इंग्लिश, सो यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, समथिंग शुड बी देयर इन इंग्लिश, नथिंग इन इंग्लिश हियर, इट्स हियर। Reserve Bank of India. Reserve Bank of India, yeah. What this means? Oh my God, I don't know how many of them too. Let me see. भाई मुझे, I know this is Punjabi. I know this Dushyant Rupikani. Maybe it looks like Marathi. You don't know all these. I don't know. Maybe this is last one is you Urdu. You are not real Indian. I am not really Indian. You are maybe fake Indian. मेरे को उन्होंने fake Indian बोल दिया यार. But कोई बात नहीं. But you also don't speak Belarusian, so you're fake Belarusian. I can speak Privitania. Privitania. Privitania मतलब hello होता है यहाँ की local language, Privitania. चलो भाई पैसे को समेटते हैं। Good morning guys, दोपहर उतरा, तो भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, और क्या ही शानदार वेदर है भाई बाहर, और रात को भाई काफी स्नो यहाँ पे गिरा है, तो फिलहाल तो भाई कुछ ऐसा दिख रहा है एकदम, व्हाइट समुंदर, व्हाइट गोल्ड। और भाई मैं सवेरे सवेरे उठ के यहाँ पे चाय वगैरह बनाया मैंने वापस से, भाई भी मैंने अली चाय पिया, जिंजर टी, और अभी यहाँ पे मैं खाना बना रहा हूँ। ये है भाई दाल, रेडी टू ईट था, तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ दाल को, और ये है भाई चावल, ये चावल बन रहा है। Have you ever tried Indian food before? No, no, not really? No, we have Indian cafe. Yes, I tried. You tried? What you tried before? I don't know. Not remember the name. I don't know. Yeah. कोई बात नहीं। So this is the dal, dal makhni we say it, and this is rice. I think I don't try it. You don't ever try dal? I tried something kind of some bread. Naan. Maybe naan. Naan. Okay. Yes. And some sweets. Some sweets. India, yeah. Gulab jamun maybe. How? It's okay. ये कैटरीना सुबह सुबह उठ के मुझे कुछ कुछ खिला दिया उन्होंने, अब मैं सब कुछ खिला दूँ इनको, तो मैं बना रहा हूँ अभी चावल दाल, बेसिकली भाई बना हुआ था, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और थोड़ी चाय एंड कॉफ़ी वगैरह भी पी रहा था मैं। अभी भाई शाम के 3 बज गए हैं और मैं उठा हूँ 10 बजे के आसपास, तो भाई मैंने खाना पीना बना लिया है, और भाई क्या ही बना हुआ है भाई, ये चावल दाल खा रहा हूँ हम लोग, बेसिक सा खाना, एंड ये खा रही है चावल दाल। फर्स्ट टाइम ईटिंग इंडियन फूड, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ऑलवेज इज द बेस्ट।
चलो भाई खाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है इनका एक्सपीरियंस। मैं तो भाई खाते रहता हूँ दाल मखनी, मेरे पास MTR का पड़ा हुआ है बड़ा बहुत सारा, तो मैं खाते रहता हूँ। तो भाई ये भी हाथ से खाना खाने का प्रयास कर रही है। हाउ डू यू लाइकिंग ईटिंग बाय हैंड? इट्स वियर्ड। इट्स वियर्ड? या पचिमू, आई डोंट नो बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट टाइम। योर फर्स्ट टाइम? या बाय हैंड, मेबी इन चाइल्डहुड आई वाज ट्राइंग। ओके लाइक दिस, बट It's really weird. Well, तो भाई हम लोग घर से आ चुके हैं फिलहाल किसी मॉल की तरफ, हम लोग कहीं जा रहे थे स्केटिंग के लिए, बट रास्ते में कुछ हमें दिखा भाई, क्रिसमस का समय आ रहा है, उन्होंने डेकोरेट कर रखा है अच्छी तरह से भाई, देख रहे हो? They are moving. Every year they decorate here? Every year? Yes, every year different. Different, different. Yes. तो चलो भाई आपको मैं दिखाता हूँ दिख कैसे रहा है यहाँ पे भाई, अलग अलग उन्होंने एनिमल बना रखे हैं, अगर आप देखोगे तो ये भाई देखो कुछ एनिमल्स हैं, मूसे लग रहे हैं, मूसा है, और ये देखो उन्होंने बना रखा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो भाई ये सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ भालू हैं जो अपना सर हिला रहे हैं, ये छोटा भालू, ये वाला बड़ा भालू, दांत भी उन्होंने बना रखा है, देख रहे हो क्या कारीगरी है। तो भाई ये कुछ केक्स हैं और इसका नाम है पीस ऑफ हैप्पीनेस। यस, पीस ऑफ हैप्पीनेस। एंड व्हाट डू यू से इन रशियन? कुछ अच्छे शास्त्र। कुछ अच्छे शास्त्र। या या यस यस बोल रही, अच्छा है, चलो ट्राई करते हैं। तो भाई साहब हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे और मेरे पीछे ये रिवर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? स्विचलेस भाई, -15 -18 टेम्परेचर है भाई, बोला नहीं जा रहा, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे क्योंकि मैंने ग्लव्स खोल लिया फोन पकड़ने के लिए। तेज रिवर है भाई, जम गई है पूरी तरह से। मतलब अभी चलना सेफ नहीं है अगर बात करो तो, लेकिन भाई फिर भी काफ़ी जम गई है पानी, एकदम आपको दिख नहीं रहा है कहीं मुड़ते हुए। तो इन विंटर यू कैन डू आइस स्केटिंग हियर इन लाइक इन नो नॉट नाउ लाइक -30 देन यू कैन डू या हवा चलती है काफी तेज और बोलने में दिक्कत होती है, जिससे आपको फील हो रहा है और लिप्स काफी सूखता हुई है यार, ठंडी पता नहीं 3-4 दिन के लिए अच्छा लगता है लेकिन फिर बाद में यार ठंडी से समझ नहीं आता मुझे। वेल भाई तो हम लोग घर पे वापस से आ चुके हैं और भाई बैठ के तो कुछ खाना पीना खा रहे थे, इसकी मम्मी ने खाना भाई बनाया। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन? द्रायणिकी द्रायणिकी नाम है भाई इसका। और ये इस तरह दिखता है, आलू को पहले बॉयल किया, उसको चोखा बनाया, फिर उस चोखा को उन्होंने फ्राई कर दिया थोड़ा सा, मतलब पेनकेक्स का शेप देके। तो ये इनका, दिस इज बेलारूसियन फूड या। और भाई ये है अनार का जूस, का गबारी रूस के एता ग्रनादा वेसोक, ये भाई अजरबैजान से है और दिस इज स्मेताना। स्मेताना, स्मेताना भाई होता है बेसिकली सावर क्रीम। तो ये भाई यहाँ का लोकल खाना है, खाते और फिर तो आई थिंक आज सोना ही पड़ेगा क्योंकि नींद आ रही है भाई, काफी चल रही है जंगलों के रास्तों मुझे ये कहीं कहीं लेके गई भाई, जंगल के रास्ते मतलब अराउंड 1 घंटे, हालांकि लाइट पोल्यूशन के कारण काफी साफ दिख रहा था और लेकिन चलने मजे आ रहे थे भाई, तो थोड़ा सा अभी थक भी गया हूँ, लेके सोऊंगा भी, बट फिलहाल तो अभी खाने पीने को इन्जॉय कर रहा हूँ। तो भाई मैं इनसे कुछ बातें कर रहा था तो कुछ हमारे बीच में बात चल रही थी, तो किसी बहाने साल की बात आई। तो भाई रशियन थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है यार, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी में कहते हैं आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल 1000 साल, साल ही होता है, साल का मतलब ईयर, ठीक है। बट रशियन में आदिम गोद, दुआ गोद, त्री गोद, चितिरे गोद, पियत लियत, सेम लियत भाई, 4 साल तक इनका होता है गोद, फिर 5वें साल स्टार्ट जाता है इनका लियत भाई। क्या क्या ही मजाक है यार, शुरू से या तो गोद बोल लो या तो फिर लियत बोल लो, नहीं उनका अलग ही सिस्टम है। चलो ये ठीक है, व्हाट इज लियत मींस? इट मींस समर। समर, यस। सो भाई टेक्निकली लियत इज समर, लियत इज, लियत मींस समर। सो भाई टेक्निकली ये बोलते हैं कि मैं 20 साल का हूँ या द्वासित लियत, मैं बोल रहा हूँ आई एम 20 समर, मैं मतलब मैं 20 समर तक जिंदा हूँ, इसलिए मैं 20 साल का मतलब 20 लियत का हूँ। काफी इंटरेस्टिंग था ये, इट इज इंटरेस्टिंग। सो यू व्हेन यू से या द्वासित लियत, you say that you are 20 summer. Yes, but we didn't think about a word liet, yeah. Like it's summer, we think about like it's year. Yeah, okay. Yeah. Коммунальные пахи, житё тебе возьми петлю.
गुड मॉर्निंग गाइज, तो सो के उठ चुका हूँ और भाई मैं बना रहा हूँ खाना अभी सुबह सुबह उठ के ही। चिकन और चावल अगर भाई मिल जाए, वो बिहारी चिकन, तो मज़े ही आ जाएंगे। तो मैं बना रहा हूँ सुबह सुबह उठ के खाना। ये है भाई, चिकन बन रहा है यहाँ पे, सब मसाला वगैरह डाल दिए, थोड़ा चिकन पकड़ा है, थोड़ा चिकन पकड़ने दे देते हैं। ये मैगी मसाला था मेरा सारा सामान, ये पूरा भाई मसाला लेके चलता हूँ मैं। हाउ डू यू स्मेल? आई स्मेल गुड, एन इंडियन फूड, एन इंडियन सॉन्ग, एवरीथिंग टुगेदर ग्रेट। और भाई बाहर का भी मौसम काफ़ी शानदार है। व्हाट दिस सॉन्ग से? माया बाबुश का कुरित त्रुप को, त्रुप को कुरित बाबुश का माया। भाई खाना बन ही रहा है भाई, यहाँ पे देख सकते हो जैसा चिकन और ये चावल। वेल भाई, तो खाना पीना बन रहा है हमारा और चावल भाई बना दिया। भाई चावल यहाँ पे ना पॉकेट में आता है, तो ये इस तरह हो जाता है चावल। भाई चार चावल बना दिया है मैंने और ये भी चिकन बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है, तैयार हो गया है। हाउ डू यू लाइक द स्मेल? आई रियली लाइक द स्मेल। यू लाइक द स्मेल? या। एंड शी वाज सेइंग दैट इट्स लाइक अ वोल्केनो, राइट? या, लाइक इन कुरिल आइलैंड। या, भाई सी ये कुरिल आइलैंड गई है। इज इट डिफिकल्ट टू गो टू कुरिल आइलैंड और नो? व्हाट यू मीन बाय डिफिकल्ट? लाइक इज इट इजी टू गो कुरिल आइलैंड? यू नीड परमिशन। यू नीड परमिशन? यस। एंड इज इट डिफिकल्ट टू गेट द परमिशन? You need to wait a lot. Wait a lot? Yes. But and you need to speak Russian. You need to speak Russian. Okay. तो भाई साहब ये है और चावल और कुछ कुछ हम लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। भाई मैंने ना दो पूरा लहसुन डाल दिया है, तो देखो कैसा रहता है खाना पीना। बाकी भाई आज मेरा यहीं पे लास्ट है, आज मैं यहाँ से कहीं निकलने वाला हूँ और तब तक खाना पीना बन रहा है, और खाना पीना खा लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ, पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर कहीं से निकलता हूँ यहाँ से। हाँ भाई, तो खाना पीना बन चुका है और खाने की महक काफ़ी शानदार आ रही है भाई। भाई इंडिया के बाहर देसी खाना मिल जाए ना तो मन खुश हो जाता है, हालांकि देसी खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ता है। और भाई बिहार में एक नॉर्मल रीति रिवाज है कि एक ना पूरा एक लहसुन डाल देते हो, तो लहसुन को आप चूसते हो। ये है, तुम इनको ट्राई करते हैं। यू डोंट लाइक ऑनियंस, राइट? जस्ट ऑनियंस? नो, सी, तो भाई हम लोग खाना पीना खाने वाले हैं। खाना बनाने में काफी टाइम लग गया एंड वी लिसन ए लॉट ऑफ इंडियन सॉन्ग। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। हम लोग भाई गाना सुन सुन के खा रहे थे। और इसे प्रयत्न पति थे बेलारूस? स्मचनाया आई होप आई एम राइट, मैं सही से बोल पा रहा हूँ भाई। चलो भाई ये था भाई खाना, एक लहसुन और बच गया है। चावल इस तरह इतना बनाए भाई, थोड़ा यहाँ से ठंडी आती है। व्हाई डू यू ओपन द विंडो फॉर लाइक हीट को आउटसाइड? या विंडो ओपन जकरीता विंडो, फ्रेश एयर। या भाई फ्रेश एयर आता है। और ये जो वहाँ पे बैठी भाई, इसे कहते हैं भाई बैटरी, तो बैटरी दा। yeah, this is battery. और भाई इससे रूम वगैरह गर्म रहता है, तो विंडो खोलने के बाद थोड़ी ठंडी लगने लगती है, क्योंकि बाहर का तापमान -10 -15 के आसपास रहता है। चलो भाई खाना खाते हैं एंड फिर आपसे बात करते हैं। दवाई गवारी मेड एंड होम, मैं इंडियन हूँ। मेड एंड होम, मेड एंड होम, जैसे नहीं होता बोलता है आई यारुस्की दा, यारुस्की मेड एंड होम। यू नो भाई एक किस्सा हुआ था मेरे साथ, मैं सुनाता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन उज्बेकिस्तान, आई सेड गाय आस्क्ड मी व्हेयर यू फ्रॉम, आई सेड आई एम फ्रॉम रशिया, एंड ही सेड नियत 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 ते चोरनी। They said to me, no, you're white. You're white. You are gori. In India, we say gori. 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 So you. Me and whom? ये Indian है. You want to go to India, da? Yeah. Gade. Gade. Everywhere. Yeah. चलो भाई खाना खाते हैं। प्रयत्न पतित एंड मैंने कहा भाई मैं हाथ से खा रहा हूँ, तो इन्होंने कहा मैं भी हाथ से खाऊंगी। मैंने कहा चलो खा लेते हैं हाथ से ही फिर। Well, तो भाई मैं कात्या के घर से जा रहा हूँ। कात्या का जो घर था भाई किसी जंगलों के बीच में था यार। ये भाई जंगल है और भाई स्नो पूरी पड़ी हुई है। इधर से भाई तकरीबन आधे घंटे चल के हम लोग आए हैं। काफी बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ है। वापस से आ गए चल चल के। इतना बड़ा सा बैग लेके चल रहा था मैं, चलो कोई नहीं। हालांकि बस चलती थी बट इनको वॉक करने का मन था। मैंने कहा चलो मैं भी वॉक कर लेता हूँ। अभी ठंडी है लेकिन इतने बड़े बैग साथ चल रहा हूँ ना, तो फिलहाल ठंडी नहीं लग रही है। वापस से भाई थोड़ा सा सिटी की तरफ आ गए हैं गांव से निकल कर। ये भाई है माइका। भाई स्नो देख रहे हो कितनी स्नो है यहाँ पे। भाई रोज स्नो गिर रही है आजकल यहाँ पे और भाई लग रहा है पूरा एकदम ये वाइट वाइट सफ़ेद चादर बिछी हुई भाई पूरी। तो भाई देखो ये क्या हो गया, रात को इतनी स्नो गिरी तो इतना बर्फ जम गया है कार के ऊपर। भाई देख रहे हो कितना स्नो है। अच्छा 4-5 इंच का स्नो होगा। यू लाइक स्नो? यस। मनोगा चुचुत? मनोगा। मनोगा। डू यू लाइक स्नो?
Yes, I love snow. Do you want to lie now in the snow? No, not. I can push you. You want to lie in the snow? No. Yes? I have pretty dress. So I have pretty dress. No, I with bag, not without bag, maybe. Well, so, bhai sab, Katya ko jaane ka samay aa gaya hai. Have a safe journey to Moscow. Yes. She's going to Moscow. I can't go to Moscow from Belarus. I need to leave the country. It's somewhere other country other than Russia. But now I'm going to go. But koi nahi. The bhai, come to India someday. Okay, thank you. You will come, da? Yeah. Come to India someday.